अब देखो, लास्ट क्लास में हम किसकी बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पोटेंशियल की, बात करी थी, फिर बात करी थी हमने पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। आज अगेन हम बात करेंगे फिर से पोटेंशियल की, और साथ में हम बात करेंगे किसकी? अर्थिंग की। अब देखो, अगर मैं तुमसे यहां पे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस कितना है? आर वन है, और मान लो इसको हमने चार्ज दिया है कितना? क्यू वन। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि देखो, ये तो हमें मालूम है कि जब भी हम शेल को चार्ज देंगे, चार्ज कहां जाएगा? चार्ज जाएगा शेल के सरफेस पे। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस शेल का पोटेंशियल क्या है, मान लो इस शेल को हम बोल रहे हैं ए, तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि शेल ए का पोटेंशियल कितना है, तो शेल ए का पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। तो बताओ इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है के क्यू वन बाय आर वन। देखो है कि नहीं वहां पे। लेकिन अगर मैं यहां पे एक और चार्ज बॉडी को प्लेस कर दूंगा, अगर मैं यहां पे एक और चार्ज बॉडी को लाके प्लेस कर देता हूं, और मैं अगर पूछता हूं कि अब इसका पोटेंशियल कितना है, तो अब इसका पोटेंशियल इसके खुद के चार्ज के कारण भी होगा, और ये जो Q2 चार्ज रखा है इसके कारण भी यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो अभी हम इस केस की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि एक शेल है और ये शेल मेरा कैसा है? आइसोलेटेड है। तो अगर ये शेल आइसोलेटेड है तब तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू वन बाय आर वन होगा। अब मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक और शेल है, जो दूसरा शेल है उसका रेडियस यहां पे कितना है? इसका रेडियस R2 है, और इस पे चार्ज कितना है? Q2 है। अब मैं अगर तुमसे फिर से पूछता हूं कि इस शेल का पोटेंशियल कितना है, तो हम बोलेंगे इस शेल का पोटेंशियल एक तो खुद के चार्ज के कारण हो गया के क्यू वन बाय आर वन, प्लस ये जो शेल है इस शेल के कारण भी यहां पे कुछ पोटेंशियल बनेगा, और उस पोटेंशियल को मान लो हम बोल रहे हैं वी डैश। तो अब जो शेल ए का पोटेंशियल आएगा, एक तो उसके खुद के चार्ज के कारण आएगा, और ये जो क्यू टू चार्ज है शेल पे, इसके कारण भी यहां पे क्या बन रहा होगा? पोटेंशियल बन रहा होगा। और ध्यान रखना, जो पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा, किसके कारण? इस क्यू टू के कारण। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल देता हूं कि जो दोनों शेल है, ये शेल ए है और ये शेल बी है, और इन दोनों शेल को अब हमने प्लेस किया है लार्ज डिस्टेंस पे, तो बताओ क्या बोलोगे? किसी भी शेल के कारण जो पोटेंशियल रहता है बाहर जाने पे, उसका फॉर्मूला था के क्यू बाय स्मॉल आर। अगर इस पे चार्ज क्यू है तो देखो है कि नहीं है। तो अगर किसी शेल से अगर हम बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। ये आर अगर बहुत लार्ज होगा तो वी की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि हमारे पास दो शेल हैं और दोनों शेल को हमने लार्ज डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है। तो अगर दोनों शेल को हमने लार्ज डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है, इसका मतलब है शेल ए का पोटेंशियल केवल अपने चार्ज के कारण होगा, और इसके कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछ रहा हूं कि शेल बी का पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? इसके खुद के चार्ज के कारण, खुद के चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू टू बाय आर टू। के क्यू टू बाय आर टू, एक तो खुद के चार्ज के कारण, और शेल ए के कारण भी यहां पोटेंशियल बनता अगर ये डिस्टेंस स्मॉल होता, लेकिन ये डिस्टेंस लार्ज है तो इसके कारण यहां पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब तुम बोलोगे शेल ए का पोटेंशियल कितना है? के क्यू वन बाय आर वन, और शेल बी का पोटेंशियल कितना हो गया? के क्यू टू बाय आर टू। अब जिन दो शेल की हम बात कर रहे हैं, दोनों का पोटेंशियल यहां पर अलग अलग है। अब इन दोनों शेल को हम क्या कर रहे हैं? किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। अब थ्योरी में हमने क्या डिफाइन किया था? चार्ज की थ्योरी में जब भी हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की टेंडेंसी फ्लो करने की है, और ये हमेशा फ्लो करता है। अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसी एक का पोटेंशियल कम होगा।
किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका पोटेंशियल कम होगा वो डिपेंड कर रहा होगा क्यू वन पे, साथ में डिपेंड कर रहा होगा उसके साइज पे। तो अभी तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इनमें से किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि Q1 by R1 और Q2 by R2 सेम हो जाएं, तो हो सकता है कि दोनों का पोटेंशियल वहां पे सेम भी हो जाए। वहां पे मैंने बोला किस शेल का पोटेंशियल ज्यादा होगा किस शेल का पोटेंशियल कम होगा, वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे और साथ में डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। हो सकता है कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन की जहां पे दोनों का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है और दोनों को वायर के थ्रू हमने कनेक्ट किया, तो जैसे हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे अब यहां पे चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। और चार्ज कब तक फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है जब तक कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो मान लो फाइनली चार्ज इस पे आ गया कितना, Q1, इस पे चार्ज फाइनली कितना आ गया, Q2। अब Q1, Q2 मेरे फाइनली चार्ज हैं, फाइनली दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम पहली इक्वेशन लिखेंगे कि टोटल चार्ज में कभी चेंज नहीं आता है। तो जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो सिस्टम का था, वो सिस्टम का चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व। ये प्रॉपर्टी थी चार्ज की कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पहले चार्ज कितना था, Q1 plus Q2। देखो यही है कि नहीं है, वहां इस Q1 plus Q2 को चाहो तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल चार्ज भी बोल सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन वन। अब फाइनली क्या होगा, जब चार्ज का फ्लो रुकेगा तो इसका पोटेंशियल हो गया के क्यू वन बाय आर वन, इसका पोटेंशियल कितना के क्यू टू बाय आर टू। दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q2 टू इंटू आर वन बाय आर टू। अब इस Q1 की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, और Q1 की वैल्यू को अगर पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा Q2 टू आर वन बाय आर टू प्लस Q2 टू इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो जो भी Q2 चार्ज रहेगा, Q2 चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू आर टू अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा R1 प्लस R2। देखो ये कोई नहीं, वहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो Q इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये तुम्हारा क्या होगा, शेल A का न्यू चार्ज होगा। और शेल B पे अगर देखना है, अगर मुझे शेल B पे देखना है तो उस पर चार्ज कितना था, नहीं, ये शेल बी का चार्ज था। अगर मुझे शेल ए का चार्ज देखना है तो आप क्या करो, Q2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो R2 हट जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो यही दोनों शेल पे क्या था, चार्ज था, जब दोनों को हमने क्या किया, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया। अब ये देख सकते हो कि अगर दोनों का साइज क्या हो जाए, सेम, दोनों शेल अगर हमारे आइडेंटिकल होंगे, अगर दोनों शेल हमारे क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, R, तो पुट करोगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू भी आ जाएगी टोटल चार्ज का हाफ, ये वैल्यू भी आ जाएगी टोटल चार्ज का हाफ। और ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि दोनों शेल अगर आइडेंटिकल होंगे तो फाइनली दोनों पे चार्ज भी कैसा आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर। तो प्रॉपर्टी मेरी क्या है, जब भी हम किसी दो कंडक्टिंग बॉडी को वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हमेशा फ्लो करेगा। कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब इस पर हम बात करते हैं क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन देखोगे मॉड्यूल और बुक में जनरली दिया रहता है, और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या बोल रहा है, मान लो हमारे पास एक शेल है, ये शेल ए है, इसका रेडियस आर है, इसको यहां पे हमने इनक्लोज किया है एक और शेल से, और जो सेकंड शेल है उसका रेडियस आर है, इसको हम बोल रहे हैं बी। तो हमारे पास दो कोसेंट्रिक शेल है, एक शेल ए है, दूसरा शेल क्या है, बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, शेल ए को हमने चार्ज दिया क्यू,
शेल ए को तो हमने चार्ज दिया क्यों, लेकिन शेल बी को हमने कोई चार्ज नहीं दिया। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि शेल बी मेरा क्या है, न्यूट्रल है। अब यूज करो जरा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जब यूज करोगे तो हम वहां पे क्या बोलते थे, शेल ए के इनर पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, इस पे चार्ज जाएगा क्यू, होगा इंडक्शन के कारण यहां पे माइनस क्यू आएगा, लेकिन ये न्यूट्रल है तो यहां पे माइनस क्यू, तो बाहर कितना हो गया प्लस क्यू। देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो शेल ए पे क्यू चार्ज रहेगा, शेल बी की अगर बात करें तो नेट चार्ज वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये तो हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि अभी शेल ए का पोटेंशियल कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, शेल ए का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज के कारण तो के क्यू बाय आर, बाहर वाले पे चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, अंदर जीरो बनेगा वहां पे। तो शेल ए का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर। अच्छा अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं शेल बी का पोटेंशियल कितना है, तो उसके खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल जीरो, उसका खुद का चार्ज तो जीरो है तो उसके कारण पोटेंशियल जीरो, लेकिन शेल ए पे जो चार्ज होगा उसके कारण बाहर पोटेंशियल बनेगा और रिजल्ट हो जाएगा के क्यू बाय आर। यही देखो शेल ए और शेल बी का पोटेंशियल है कि नहीं है। अच्छा आप कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे, ए का पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, बी का पोटेंशियल है के क्यू बाय कैपिटल आर। दोनों का कंपेयर करोगे तो हमें मालूम है कि आर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल आर। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ए हायर पोटेंशियल पे है और बी मेरा लोअर पोटेंशियल पे। तो इस केस में ए का भी पोटेंशियल है, बी का भी पोटेंशियल है, लेकिन ए हायर पे है और बी तुम्हारा क्या है, लोअर पे। अब क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है कि दोनों शेल को अब हमने क्या किया, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, दोनों शेल को हमने किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर दोनों शेल को हम क्या कर रहे हैं, दोनों शेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों शेल को यहां पे हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अब पूछता है कि जो शेल बी है और जो शेल ए है उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। क्लियर। अब कैसे इसको हम कैलकुलेट करें, तो डायग्राम देखो जरा, ये ए है, और ये तुम्हारा वहां पे क्या है, बी है। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, है ना। अब हमें मालूम है चार्ज कौन सा फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव, कहां से कहां, इनर से आउटर की ओर, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल वहां पे सेम नहीं हो जाता। तो मान लो इस पे चार्ज क्यू रह गया, या फिर ऐसा इमेजिन कर लो वहां पे कि यहां से इधर क्यू चार्ज फ्लो कर गया, यहां पे क्यू चार्ज फ्लो कर गया। अब क्यू चार्ज अगर फ्लो कर गया तो इस पे चार्ज कितना रह गया, इस पे चार्ज रह गया क्यू माइनस क्यू। समझ में, जैसे ही हमने दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो अब यहां पे चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा ए से बी की ओर। ध्यान रखना बी पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो जब ए का चार्ज बी की ओर जाएगा तो फाइनली इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैंने मान लिया कि टोटल चार्ज क्यू फ्लो करके बी पे गया, तो अब बी की अगर हम बात करेंगे तो बी पे नेट चार्ज जो रहेगा वो तो अब कितना रहेगा, स्मॉल क्यू रहेगा। हमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है, फाइनली जो चार्ज आएगा बी पे वो कितना आएगा, स्मॉल क्यू आएगा। इस पे कितना आ गया, क्यू माइनस क्यू। अब मैं बोलूंगा कि शेल ए का पोटेंशियल क्या है, तो उसके खुद के चार्ज के कारण के क्यू क्यू माइनस आर। बी पे चार्ज कितना गया, बी पे चार्ज क्यू गया, तो उसके कारण पोटेंशियल के क्यू, जो उसके सरफेस पे वही क्या होगा, अंदर होगा। देखो यही है कि नहीं। अच्छा मैं अगर पूछता हूं कि शेल बी का पोटेंशियल कितना है, तो उसके खुद के चार्ज के कारण तो के क्यू बाय आर होगा,
और यहां पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू बाय आर। देखो है कि नहीं वहां पे। हमें करना क्या है, चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। तो फाइनली ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब दोनों को इक्वेट करोगे तो ये टर्म और ये टर्म तुम्हारी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इक्वेशन क्या निकल के आ गई, इक्वेशन आ गई के इंटू क्यू माइनस क्यू बाय आर किसके बराबर, के टाइम्स क्यू माइनस क्यू बाय आर। देखो है कि नहीं है वहां पे, ये कि नहीं वहां पे। अब रिजल्ट क्या बोल रहा है, रिजल्ट वहां पे बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या हो गई, इक्वल हो गई। देखो है कि नहीं है वहां पे। यहां पे हमने मान लिया कि स्मॉल q चार्ज इस पे चला गया, इस पे बच गया केवल q माइनस q। तो हमने पहले a का पोटेंशियल लिखा उसके खुद के चार्ज के कारण, b के कारण इतना, b पे जाओगे तो इसके कारण के क्यू बाय आर, इसके कारण ये, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। अब हमें इक्वेशन क्या मिल रही है, जब दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो रही है, सेम निकल के आ रही है। अच्छा अब बताओ मुझे यहां पे कि ये दोनों इक्वेशन सेम कैसे हो सकती हैं, के वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब हमें ये मालूम है कि स्मॉल आर कभी भी कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो सकता। यहां पे देखो स्मॉल आर कैपिटल आर के कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो ये दोनों वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट होगी। अब ये दोनों वैल्यू तो डिफरेंट है, लेकिन ये पूरी टर्म ओवरऑल मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब बताओ ऐसा कब हो सकता है, समझ में क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये टर्म और ये टर्म कभी इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन ये पूरी टर्म हमारी सेम होनी चाहिए। और ये पूरी टर्म सेम तभी हो सकती है जब हम क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के इक्वल हो जाए। देखो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये टर्म तो इक्वल हो नहीं सकती। अब ये टर्म अगर इक्वल नहीं है तो यहां पे कुछ भी टर्म पुट करें, देखो ये दोनों क्यू माइनस क्यू, यहां पे भी क्यू माइनस क्यू है, यहां पे अगर 10 पुट किया, यहां पे भी 10 पुट किया, लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो यहां पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू हमेशा डिफरेंट ही बनेगी। सेम तभी हो पाएगी जब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। स्मॉल क्यू अगर कैपिटल क्यू के इक्वल हो गया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के इक्वल हो गया, चाहो तो देखो इसको ऐसा कर दे, समझने के लिए ऐसा कर दो के क्यू माइनस क्यू कॉमन ले लो, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/r माइनस 1/R 0 के बराबर। देखो है कि नहीं है, इसको इधर लेके चले जाओ। अब हमें मालूम है कि r और कैपिटल r ये दोनों वैल्यूज तो क्या है, डिफरेंट है। और ये दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट हैं तो ये वैल्यूज तो कभी जीरो के बराबर हो नहीं सकती। तो अब क्या चीज जीरो के बराबर हो सकती है, क्यू माइनस क्यू जीरो के बराबर होगा, तो स्मॉल क्यू किसके बराबर, कैपिटल क्यू के बराबर। इसका मतलब है कि अगर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बराबर है तो जैसे हम दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा चार्ज बाहर वाले शेल पे चला गया, इस पे चार्ज जीरो हो गया। अब बताओ इस पे चार्ज अगर जीरो है तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे कोई चार्ज नहीं आ सकता, और यहां पे अगर कोई चार्ज नहीं आ सकता है तो पूरा का पूरा क्यू चार्ज कहां पे चला गया है, पूरा का पूरा क्यू चार्ज चला गया है बी के सरफेस पे। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये मेरा वहां पे चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वहां पे। हम चेक कर लेते हैं कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि गलत है। तो अब तुम क्या बोलोगे, ए का पोटेंशियल खुद के चार्ज के कारण जीरो, बी के कारण के क्यू बाय आर, ये तो ए का पोटेंशियल। अगर मैं बी का पोटेंशियल देखूंगा तो बी का पोटेंशियल क्या होगा, उसके खुद के चार्ज के कारण के क्यू बाय आर, खुद के चार्ज के कारण के क्यू बाय आर। और ए के कारण अगर देखोगे तो वहां पोटेंशियल जीरो। अब फाइनली अगर देखोगे तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई कि दोनों का पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का पोटेंशियल वहां पे सेम हो गया और चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिससे कि दोनों का पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया, सेम हो गया।
तो जब भी हम कभी दो कंडक्टरों कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, चार्ज हमेशा इस तरह से फ्लो करेगा जिससे कि दोनों का पोटेंशियल वहां पे सेम हो जाए। तो इस केस में जो चार्ज अंदर था, जैसे ही हम वायर से कनेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा चार्ज बड़े वाले शेल के आउटर सरफेस पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है इतना? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अर्थिंग। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अर्थिंग की। अब अर्थिंग का मतलब क्या है और अर्थिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो कभी भी तुमने देखा होगा जो भी घर के सॉकेट हम यूज करते हैं, पुराने जमाने में तो नहीं होते थे सॉकेट में इस तरह का अरेंजमेंट, लेकिन आज के केस में देखोगे जितने भी सॉकेट बनते हैं सॉकेट में इस तरह से तीन होल दिए होते हैं। एक जो होल रहता है वो लाइव होता है, उसको हम लाइव होल बोलते हैं जिससे करंट पास कर रहा होता है। जो दूसरा होता है वो होता है न्यूट्रल, और ये जो तीसरा ऊपर वाला है ये होता है अर्थिंग। और इसका इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट रहता है, इस होल से जो पॉइंट है वो पॉइंट किसको टच करता है, ग्राउंड को टच करता है। यहां से करंट पास कर रहा है, ये होल न्यूट्रल है, और ये जो होल रहता है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है ग्राउंड से। अब रीजन क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, यानी पहले तो हम बात कर रहे हैं कि अर्थिंग प्रोवाइड क्यों की जाती है। तो मान लो यहां पे कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लो यहां पे कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो किसी सर्किट से क्या है, कनेक्टेड है। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उसमें कनेक्शन में फॉल्ट आ गया, जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं वो किसी सोर्स से कनेक्टेड है, करंट के सोर्स से। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिकल का अप्लायंस है उसमें कनेक्शन में कभी फॉल्ट आ गया, और कनेक्शन में अगर फॉल्ट आ गया तो होता क्या है, जो भी चार्ज रहेगा वो फिर अप्लायंस के सरफेस पे आना स्टार्ट कर दे। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिक के सोर्स से कनेक्टेड है। अब मैं बोलता हूं कि कई बार वहां पे कनेक्शन में फॉल्ट आ जाता है, और कनेक्शन में अगर फॉल्ट आ गया तो उसके कारण क्या होता है, जो चार्ज रहता है वो सरफेस पे आ जाता है। जैसे देखा होगा हम लोग प्रेस भी यूज करते हैं, घर में हम लोग कूलर भी यूज करते हैं, और याद होगा जो पुराने कूलर होते थे उनकी देखोगे जो बॉडी होती है वो मेटेलिक होती है, लोहे की बनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो अंदर के वायर कहीं पे कट गए और किसी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, कूलर की बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही कोई वायर कट के कूलर की बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो अब कूलर पे चार्ज आ जाएगा। कूलर कैसा है, कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, तो जो भी चार्ज है चार्ज मूव करके कहां पे आ गया, सरफेस पे आ गया, है कि नहीं। अब हुआ क्या, कनेक्शन के फॉल्ट के कारण तो अब जो भी चार्ज है चार्ज आ गया उसके सरफेस पे। अब मान लो हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हमने गलती से क्या किया, गलती से हमने उस अप्लायंस या उस कूलर को क्या किया, टच किया, और देखा होगा अगर कनेक्शन का फॉल्ट आ गया है तो कूलर के सरफेस पे चार्ज आ गया है। अब जैसे ही हम कूलर के सरफेस को टच करते हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो डिफाइन किया था फर्स्ट क्लास में कि अर्थ क्या है, कंडक्टर। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी भी वहां पे क्या है, कंडक्टर है। तो जैसे ही हम इस मेटल, जैसे ही हम इस कूलर को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से उसी टाइम पे चार्ज क्या होता है, अर्थ की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब जो चार्ज होगा वो चार्ज फ्लो करेगा अर्थ से, वो चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर से किसकी ओर, अर्थ की ओर। और हमने क्या पढ़ा है, जो भी फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं करंट।
तो जैसे ही हम कंडक्टर को टच करेंगे हमारी बॉडी से करंट क्या होगा, पास करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही करंट पास करेगा तो वहां पे हम शॉक भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और करंट अगर बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होती है, लार्ज अमाउंट की हीट भी क्या होती है, जनरेट कर जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा चार्ज होगा तब तो ये भी पॉसिबिलिटी के जो पर्सन है, पर्सन पूरा जल भी सकता है, क्योंकि उस केस में लार्ज अमाउंट का करंट क्या करेगा, पास करेगा, तो लार्ज अमाउंट की हीट भी क्या होगी, जनरेट होगी। तब इस केस में हुआ क्या, मान लो अगर हमने गलती से उस मेटल को टच कर लिया तो एक तो हमने शॉक फील किया, साथ में हमारी बॉडी से करंट पास कर गया, और चांसेस हैं कि हमारी बॉडी पे क्या हो सकते हैं, डैमेजेस हो सकती है वहां पे। तो अब इस चीज को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम किसी भी कंडीशन में शॉक या करंट को फील ना करें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम करते क्या है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे हम अप्लायंस में अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखा होगा जो भी सॉकेट बनते हैं आजकल वो 3 पिन के होते हैं। तो अब होगा क्या, मान लो अगर कोई फॉल्टी कनेक्शन होता है और फॉल्टी कनेक्शन के कारण चार्ज कहां पे आ गया, सरफेस पे आ गया, और अगर हमने अर्थिंग प्रोवाइड की है तो उस केस में क्या होगा, ये जो चार्ज आया है अब ये चार्ज उसी टाइम पे अर्थ में चला जाएगा। मान लो फॉल्टी कनेक्शन के कारण कुछ चार्ज सरफेस पे आया तो वो चार्ज क्या होगा, अब इस वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब मान लो अगर हम अब ये पर्सन अगर इस वायर कंडक्टर को टच करता है तो अब बताओ सरफेस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो अब इसकी बॉडी से कोई करंट पास नहीं करेगा तो ये जो पर्सन रहेगा वो वहां पे अब शॉक को क्या कर रहा होगा, फील नहीं कर रहा होगा। क्लियर। तो अर्थिंग का पर्पस क्या है, अर्थिंग का पर्पस होता है कि मान लो कोई भी कंडक्टर पे एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कहां पास कर जाना चाहिए, वो पास कर जाना चाहिए अर्थ में। जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ मेरा वहां पे कंडक्टर है। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ मेरा क्या है, कंडक्टर है। अच्छा, अब अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग लेते हैं 0, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत लार्ज है। जब हम अर्थिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या डिफाइन किया, अर्थ मेरा कंडक्टर है, और अर्थ को हम पोटेंशियल कितना मान रहे हैं, अर्थ को हम पोटेंशियल मान रहे हैं 0। और मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है अर्थ का साइज बहुत लार्ज है। तो मान लो अगर कोई चार्ज जैसे ही यहां पे अगर मान लो पर्सन को टच कर रहा है या फिर ये सॉकेट है, सॉकेट के थ्रू चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला गया। तो ध्यान रखना है अर्थ का साइज बहुत लार्ज है, और अर्थ को हम थोड़ा सा चार्ज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ का पोटेंशियल अभी भी हम क्या कंसिडर करेंगे, 0। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, किसी बॉडी को अगर चार्ज मिला तो चार्ज के कारण उस पर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, लेकिन अर्थ का साइज बहुत लार्ज है तो अर्थ को अगर हम थोड़ा सा चार्ज दे भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली अभी भी हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो जब हम अर्थिंग की बात करते हैं तो अर्थिंग का मतलब है कि हमें पॉइंट को किससे कनेक्ट कर देना है, अर्थ से कनेक्ट कर देना है, और जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल कुछ इस तरह से यूज किया जाता है। तो जब भी इस तरह का सिंबल दिया होगा क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट को हमने ग्राउंड से टच कर दिया। अब ये सिंबल इलेक्ट्रोस्टैट में भी होगा, ये सिंबल तुम्हारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा। जब भी ये सिंबल होगा तो इस सिंबल का मतलब सिंपली ये, हमें कुछ नहीं करना है, जहां पे ये सिंबल दिया होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल वहां पे हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लो नदी है, अब नदी में कुछ पानी भरा हुआ है, इसका कुछ वॉल्यूम है। अब उस पानी में हम क्या करते हैं, एक ग्लास पानी और ऐड कर देते हैं, बताओ कुछ फर्क पड़ेगा क्या, एक ग्लास पानी हम ऐड कर दें या फिर एक ग्लास पानी बाहर निकाल लें। अगर नदी या समुद्र में हम समुद्र की बात करें या नदी की बात करें, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसमें अगर हम छोटा सा पानी, एक ग्लास पानी ऐड कर दें या फिर एक ग्लास पानी बाहर निकाल लें, बताओ क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या। हम थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्वांटिटी वाटर की अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। तो सेम लॉजिक यहां पर हम यूज करते हैं, अर्थ का पोटेंशियल हमने 0 असाइन किया है, लेकिन अर्थ पे अगर कोई चार्ज आ रहा है या अर्थ से कोई चार्ज बाहर निकल रहा है
तो अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम अर्थ के पोटेंशियल को अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। क्लियर? तो सिंबल जो रहेगा अर्थिंग का वो यही रहेगा, और अर्थिंग का पर्पज ही है कि चार्ज जो आया है एक्स्ट्रा वो कहां चला जाए, अर्थ में चला जाए। अब सबसे पहला डायग्राम देखो, सबसे पहला हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे कि मान दो एक शेल है, शेल को हमने चार्ज दिया क्यू, शेल का रेडियस कितना है आर। जब भी हम शेल को क्यू चार्ज देंगे तो ये क्यू चार्ज कहां जाएगा, ये क्यू चार्ज जाएगा शेल के सरफेस पे, है मालूम ही नहीं मालूम है। तो अगर हम शेल को चार्ज देंगे तो ये चार्ज कहां चला गया, सरफेस पे। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे की है, ये की अभी मेरी ओपन है, और यहां पे हम सिंबल शो कर रहे हैं अर्थ का। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस की को क्लोज कर दे रहे हैं, ये जो की है ये की मैंने क्लोज कर दी। जैसे की को मैंने क्लोज किया तो ये जो कंडक्टर है ये किससे कनेक्ट हो गया, अर्थ से, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो यहां पे अर्थ का पोटेंशियल जीरो था, और यहां पे अगर बात करें तो इसका इनिशियली पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय आर था, और ये हायर पोटेंशियल पे था। अब हमें मालूम है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर कौन सा चार्ज फ्लो करता है, तो वो फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे इस शेल के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अर्थ की ओर फ्लो करेंगे, और ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है, कि बेसिकली मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, ये हमारा कन्वेंशन है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर फ्लो करेंगे, इस शेल की ओर फ्लो करेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल वहां पे सेम नहीं होता है। अब सेम कुछ टाइम बाद सेम होगा, सेम का मतलब है कि इसका पोटेंशियल तो हमेशा जीरो रहेगा, तो बाद में इसका पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। मान लो फाइनली चार्ज इस पर क्यू रह गया, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे जिसने इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर दिया, और मान लो पॉजिटिव चार्ज अब कितना रह गया, क्यू। अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर, और ये अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। अब बताओ ये चीज जीरो कब होगी, के आर तो जीरो हो नहीं सकता, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही हम यहां पे इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे पूरा का पूरा चार्ज वहां पर क्या हो गया, अर्थ में चला गया। अब क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता है कि शेल से अर्थ की ओर कितना चार्ज गया, तो हम बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज पूरा चला गया। प्लस क्यू चार्ज का मतलब है कि माइनस क्यू चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को वहां पे कंप्लीटली क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो शेल से अर्थ की ओर प्लस क्यू चार्ज गया, और अर्थ से शेल की ओर माइनस क्यू चार्ज गया। क्लियर हुआ? तो यही हमारा चार्ज का वहां पे क्या होगा, फ्लो होगा। तो ये तो हो गया पहला केस। फिर देखो नेक्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं। अब नेक्स्ट केस में हम लोग यहां पे शो कर रहे हैं, मान लो एक शीट है, शीट होगी तो इसके इस सरफेस पे भी चार्ज है और इस सरफेस पे भी क्या है, चार्ज। अब इसके पास में हम क्या कर रहे हैं, एक शेल को लेके आ रहे हैं। अब जैसे ही हम शेल को लेके आएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो यहां पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे उसके कारण यहां पर चार्ज कैसा बन जाएगा, उसके कारण यहां पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पर जब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन अभी यहां पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अब इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं अर्थ से। अब ये की ओपन है,
अब कुछ टाइम बाद इस अर्थ को हमने क्या कर दिया, इस की को हमने क्लोज कर दिया। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो है। अब बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेंगे, और ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये इलेक्ट्रॉन आता जाएगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। अब होता क्या है, फाइनली ये पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब फाइनली इस पे चार्ज जो रहेगा, इस पे चार्ज फाइनली कैसा रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इस पे नेट चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो चल रहा है, कब तक चार्ज का फ्लो चलेगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो नहीं होता है। अब इसका पोटेंशियल कैसे जीरो होगा, तो ये चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा प्लस। अब ध्यान है इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो केवल उसके खुद के चार्ज के कारण नहीं रहेगा, इसके कारण पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण भी यहां पोटेंशियल आएगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये दोनों ऐड होके क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। समझ में, इस पे चार्ज नेट नेगेटिव रहेगा क्योंकि इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा, इसके खुद के चार्ज के कारण नेगेटिव बनेगा, और दोनों ऐड होके वो क्या हो जाएंगे, वहां पे जीरो हो जाएंगे। तो अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया, सेम हो गया। तो जैसे ही हम अर्थिंग हटाएंगे तो अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगा, तो ये फाइनली अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे। अगर मान लो मैंने इसको भी हटा दिया तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो अब ये सरफेस पे इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे वहां पर, तो ये फाइनली चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है इतना? फिर देखो वहां पे, अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं यहां पे कि मान लो यहां पे एक शेल है, इसका रेडियस आर है, यहां पे एक और शेल है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इस शेल का रेडियस आर है, इस शेल का रेडियस कैपिटल आर है, इसको बोलो शेल ए, इसको बोलो शेल बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, शेल ए को हम दे रहे हैं चार्ज क्यू, और शेल बी मेरा वहां पे न्यूट्रल है। शेल ए को हमने चार्ज दिया क्यू, और शेल बी मेरा क्या है, न्यूट्रल है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके ऊपर जाएगा प्लस क्यू, इंडक्शन के कारण माइनस क्यू, बाहर कितना हो गया, प्लस क्यू। देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, ये जो आउटर शेल है बी, अब इसको हम अर्थ करने जा रहे हैं। अभी बी अर्थ नहीं है, अब बी को हम क्या करने जा रहे हैं, बी को हम यहां पर अर्थ करने जा रहे हैं। अब बताओ अर्थ करोगे तो होगा क्या, तो देखो अगर हम बात करें शेल ए की, तो शेल ए का भी पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, बी के कारण जीरो। बी का पोटेंशियल क्या है, उसके खुद के चार्ज के कारण जीरो, ए के कारण कितना, के क्यू बाय आर है। तो ध्यान है ये अभी हायर पोटेंशियल पे है और ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पे, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा अर्थ की ओर, इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज अर्थ से शेल की ओर आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, होगा। अब मान लो इस पे चार्ज कितना रह गया, क्यू। अच्छा ए का चार्ज तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो इसको तो हमने कोई अर्थ से कनेक्ट नहीं किया, इस पे चार्ज क्यू रहेगा। अब क्या करो, बी के लिए गॉस थ्योरम यूज करो,
वहां पे याद है बी की वहां पे थिकनेस होती थी, जैसे ये बी है, बी की यहां पे थिकनेस है, यहां पे अब तुम गॉस थ्योरम ड्रॉ करो, गॉस थ्योरम ड्रॉ करोगे, टोटल फ्लक्स जीरो तो नेट चार्ज भी जीरो, तो इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इस पे चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। तो जब हम इसको अर्थ करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसका नेगेटिव चार्ज तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या है, बॉन्डेड है, वो निकल नहीं सकता, लेकिन बाहर वाले का चार्ज जा सकता है। तो मान लो बाहर वाले का चार्ज फाइनली कितना रह गया, स्मॉल क्यू रह गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि फाइनली चार्ज कितना है बी पे, तो अब क्या करोगे, ए का पोटेंशियल तो ये तो वही है, अब बी का पोटेंशियल अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ए के कारण के क्यू बाय आर, ए के कारण के क्यू बाय आर, उसके खुद के चार्ज के कारण के इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू बाय आर। देखो है कि नहीं वहां पर, ये चेक करो जरा रिजल्ट इतना है कि नहीं वहां पर, बी का पोटेंशियल खुद के चार्ज के कारण इतना, ए के कारण इतना, और हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो फाइनली अर्थ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो बी का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। अब बी के पोटेंशियल को वहां पे जीरो कर दो जरा, अब बताओ बी के पोटेंशियल को अगर जीरो करोगे तो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, के क्यू बाय आर इक्वल्स टू जीरो। क्या चीज जीरो होनी चाहिए, स्मॉल क्यू, के और आर तो जीरो हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि जैसे ही हम इसको अर्थ करेंगे पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज अर्थ में चला जाएगा, या पूरा का पूरा माइनस क्यू अमाउंट का इलेक्ट्रॉन आएगा जो बाहर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब फाइनली यही हमारा चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आगे जब जाओगे तो इस अरेंजमेंट को वहां पे हम स्फेरिकल कैपेसिटर नाम देंगे, तो आगे पढ़ेंगे हम कैपेसिटर में, लेकिन यही अर्थिंग के बाद फाइनली चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, जिस बॉडी को हम अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल तो क्या होगा, जीरो हो गया। जिस बॉडी को हमने अर्थ किया उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन ध्यान ना, चार्ज जीरो नहीं हुआ, चार्ज जीरो नहीं हुआ। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो हमने केस लिया था वहां पे प्लस क्यू चार्ज था, उसको हमने क्या किया था, अर्थ कर दिया था। और जैसे ही हम अर्थ करते हैं तो फाइनली इसका पोटेंशियल भी जीरो हो गया था, चार्ज भी जीरो हो गया था। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिस बॉडी को हम अर्थ करने जा रहे हैं पोटेंशियल तो जीरो होगा, लेकिन हो सकता है चार्ज जीरो हो सकता है चार्ज जीरो ना हो। लेकिन हमें ये चीज आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए कि जिस सरफेस को हम अर्थ कर रहे हैं उस पे चार्ज जीरो होगा या नहीं जीरो होगा। जैसे हमने आउटर वाले सरफेस को क्या किया है, अर्थ किया है, तो एक रफ तरीका क्या है, जिस सरफेस को हम अर्थ कर रहे हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करो इंफिनिटी की ओर। मैंने क्या बोला, किसी कंडक्टर को हम अगर अर्थ करेंगे तो पोटेंशियल तो जीरो होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि चार्ज जीरो हो या होता है चार्ज जीरो ना हो। तो तरीका क्या है, जिस सरफेस को हम अर्थ कर रहे हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करो इंफिनिटी की ओर। अगर इस लाइन ने किसी चार्ज बॉडी को कट नहीं किया है तो इसका मतलब है कि वो वाला जो बाहर का सरफेस होगा उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर देखो वहां पे, अब मान लो अर्थ तो हो गया, अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि अब ए का पोटेंशियल क्या है और बी का पोटेंशियल क्या है, तब तुम बोलोगे ए का न्यू पोटेंशियल क्या होगा, इसके खुद के चार्ज के कारण के क्यू बाय आर, बी पे जो चार्ज है उसके कारण माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर है। बी का पोटेंशियल क्या होगा, खुद के चार्ज के कारण माइनस के क्यू बाय आर, ए के चार्ज के कारण के क्यू बाय आर। और ऐसा होना चाहिए कि फाइनली बी का पोटेंशियल हमें जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, अर्थ से अब क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर? तो इस तरह से हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं और इस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फिर देखो वहां पर एक और केस, मान लो इस केस में बोल रहा हूं ए को न्यूट्रल कर दो और बी को चार्ज दे दो। अब इसका उल्टा करते हैं अपन,
अब इसका उल्टा हम क्या कर रहे हैं, ए को न्यूट्रल रख रहे हैं और बी को चार्ज दे रहे हैं, और की मेरी अभी ओपन है, यहां पे कोई अर्थिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ए तो न्यूट्रल है, जो भी प्लस क्यू चार्ज है वो बी के कहां चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। अब इससे पहले हमने आउटर शेल को अर्थ किया था, अब इमेजिन करो कि यहां पे हमने एक बारीक सा होल क्रिएट कर दिया स्मॉल, और यहां से हमने एक वायर पास करा दिया, वायर कनेक्ट कर दिया की से, और ये की का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। अब कुछ टाइम बाद हम कर क्या रहे हैं, कुछ टाइम बाद इस की को हम क्लोज कर रहे हैं। अब बताओ जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे तब होगा क्या, जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे तो अब चार्ज तुम्हारा वहां पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, तो ये भी देख लो वहां पे, जब ये की ओपन थी, जब ये की ओपन थी तो बी का पोटेंशियल खुद के चार्ज के कारण के क्यू बाय आर था, ए न्यूट्रल उसके कारण जीरो, ए का पोटेंशियल इनिशियली क्या था, उसके खुद के चार्ज के कारण जीरो, बी के कारण कितना था, बी के कारण था वहां पे के क्यू बाय आर, देखो है कि नहीं, वहां पर ए का पोटेंशियल खुद के चार्ज के कारण तो जीरो, लेकिन बी के कारण कितना है, के क्यू बाय आर है। तो जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, और हमें मालूम है कि हायर से लोअर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, इसका मतलब है लोअर से हायर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, ध्यान है ये न्यूट्रल है, ये बॉडी पहले से ही क्या है, ए बॉडी पहले से ही न्यूट्रल है, लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ए बॉडी पे अब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पे चार्ज फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हुआ, तो इसका चार्ज माइनस क्यू, इसका चार्ज प्लस क्यू, यहां पे कितना आ गया, क्यू माइनस क्यू, देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। अब मुझे अगर फाइनली फाइंड आउट करना है कि ए पे चार्ज कितना आया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ए का पोटेंशियल खुद के चार्ज के कारण माइनस के क्यू बाय आर, बाहर वाले पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, उसके कारण पोटेंशियल के क्यू बाय आर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। फाइनली ए का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर है, तो ए का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज के कारण बाहर वाले के कारण टोटल को जीरो करो, और स्मॉल क्यू की वैल्यू आती है माइनस क्यू इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ध्यान नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी असाइन कर चुके थे, तो नेगेटिव साइन असाइन कर चुके हो तो ये साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे हम बोलेंगे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू स्मॉल आर बाय आर, यहां पे आएगा क्यू स्मॉल आर बाय आर, और यहां पे आएगा क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो यही मेरा वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो भाई मॉड्यूल में इस तरह का क्वेश्चन है, पूछता है कि ए पे चार्ज कितना है, तो ए पे चार्ज आया माइनस क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, इसका मतलब है कि ये चार्ज अर्थ से शेल पे आया है नेगेटिव, और इतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज शेल से किस में गया है, अर्थ में गया है। तो इस तरह से वहां पे हम चार्ज क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब चार्ज मालूम है, क्वेश्चन में अगर पूछता है कि बी का पोटेंशियल कितना है, तो B का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज के कारण तो के क्यू बाय आर है कि नहीं, और इसके कारण कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, देखो यही कि नहीं होगा। अब जो B का पोटेंशियल होगा खुद के चार्ज के कारण के क्यू बाय आर, और इसके कारण ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कितना, कैपिटल आर, यही तुम्हारा वहां पे बी का क्या है, पोटेंशियल है। क्लियर। तो इस तरह से हमने ए और बी दोनों पे फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। फिर देखो वहां पे मान लो यहां पे हमारे पास एक प्लेट है, यहां पे एक और प्लेट है,
और मान लो ये दोनों प्लेट हमारी कैसी हैं, लार्ज हैं, ये दोनों मेरी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट हैं। अब एक प्लेट को हमने चार्ज दिया Q, दूसरी प्लेट जो है वो प्लेट मेरी वहाँ पे न्यूट्रल है। अब वहाँ पे क्या लिखवाया था, किसी प्लेट को अगर Q चार्ज दोगे तो वो Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर सराउंडिंग में कोई चार्ज बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q/2। अब गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करते थे तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे चार्ज -Q/2, यहाँ पे +Q/2। देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था कि नहीं था। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो प्लेट का आउटर सरफेस है उसको अब हम अर्थ करने जा रहे हैं। तो अभी तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लेट को अर्थ करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हम प्लेट को अर्थ करेंगे तो मैंने क्या बोला है, जिस सरफेस को अर्थ किया है वहां से एक लाइन ड्रॉ करो इन्फिनिटी की ओर, और ये ड्रॉ करनी है बाहर की ओर। जिस सरफेस को हमने अर्थ किया है वहां से एक लाइन बाहर की ओर ड्रॉ करो इन्फिनिटी तक। अगर ये लाइन किसी चार्ज बॉडी को कट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि उस सरफेस पे चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ में, जिस सरफेस को हमने अर्थ किया है वहां से एक लाइन ड्रॉ करो इन्फिनिटी तक। अगर वो लाइन किसी चार्ज बॉडी को कट नहीं कर रही है तो इसका चार्ज वहां पे क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है कितना चार्ज यहां पे फ्लो कर गया, -Q/2 चार्ज क्या कर गया, फ्लो कर गया। अब -Q/2 चार्ज फ्लो करेगा तो उसने +Q/2 को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब चेक करो कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही है क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होगी फाइनली अगर हम देखेंगे तो इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। अब एक सिंगल चार्ज की लेयर के कारण फॉर्मूला था σ/2ε0, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q/2, एक सरफेस पे चार्ज है अपॉन एरिया, तो ये चेक करो ये हो जाएगा Q/4aε0। देखो है कि नहीं है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे लेफ्ट, इसके कारण राइट, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गई लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, राइट की ओर है। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अभी सही नहीं है। अब मान लो यहां पे, अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे कोई पॉइंट लो जरा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Q/4aε0, इसके कारण भी राइट की ओर Q/4aε0। देखो है कि नहीं है, इसके कारण भी राइट, इसके कारण भी राइट, ये नेगेटिव चार्ज है इसके कारण लेफ्ट, ये कितना आ गया Q/4aε0। बताओ यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है क्या, नहीं जीरो हो रही है। अब जीरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहां पे चार्ज चेंज नहीं हो सकता तो राइट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ज्यादा है, लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इसको बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएं, -Q/2 चार्ज और आ जाता है, -Q/2 चार्ज और आ गया तो ये कितना बन गया, ये बन गया -Q। समझ में आया, पहले से -Q/2 था, आई बोल रहा हूं -Q/2 और चार्ज फ्लो कर गया तो ये -Q बन गया, ये -Q होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर होगी और वो हो जाएगी Q/2aε0। और चेक करो अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है कि नहीं जीरो हो रही है। इसका मतलब है कि जब हम अर्थ करेंगे तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा अर्थ से प्लेट की ओर वो फ्लो करेगा -Q। अच्छा अब यहां पे तो चार्ज मिल गया कि फाइनली चार्ज -Q है। अब यहां पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगी, इस माइनस क्यू के कारण राइट कितनी है Q/2aε0। अब ये जो चार्ज नेगेटिव है इसके कारण अगर लाइन्स ऑफ फोर्स राइट की ओर है तो इसका मतलब है कि ये जो Q/2 चार्ज है वो मूव करके इधर आ जाएगा और जब इधर आएगा तो वो चार्ज बनाएगा Q, और जब ऐसा होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे लाइंस राइट
लेफ्ट की ओर होगी, माइनस क्यू के कारण राइट की ओर होगी, और बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये जो अरेंजमेंट होता है आगे हम डिफाइन करेंगे, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी। क्लियर? तो यहां पे जो हम प्लेट को अर्थ करेंगे तो हमें लॉजिक क्या यूज करना है, चार्ज तो फ्लो करेगा लेकिन हमें लॉजिक यही यूज करना है कि फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और ध्यान है ये एक रफ मेथड है, ज्यादातर केस में ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, वैलिड हो जाती है। जिस सरफेस को अर्थ कर रहे हो वहां से एक लाइन इन्फिनिटी की ओर ड्रॉ करो, किसकी ओर, बाहर की ओर। अगर वो लाइन किसी चार्ज बॉडी को कट नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि उस सरफेस का चार्ज वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आज मैं यहीं पे इसको एंड कर रहा हूं। तो आज हमने बात करी थी अर्थिंग की, अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल में या बुक में जहां पे भी अर्थिंग की थ्योरी दी हुई है वो थ्योरी पढ़नी है और उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करना। तो वहां पे देखना एक्सरसाइज वन या एक्सरसाइज टू, ऑब्जेक्टिव में चेक करोगे तो इस तरह से वहां पे दो या तीन क्वेश्चन है शेल के, जहां पे शेल को अर्थ किया गया है, तो इन क्वेश्चन को तुम्हें वहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में अगेन हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे अभी तो हमने दो शेल के क्वेश्चन लिए, अगली क्लास में हम बात करेंगे कि अगर तीन शेल लेंगे उनमें से अगर किसी को अर्थ कर दें तो क्या होगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अगेन हम किसकी बात करेंगे, अर्थिंग की ही बात करेंगे, और साथ में वहां पे हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है अर्थिंग की थ्योरी को पढ़ना है ढंग से, और जो भी सॉल्व क्वेश्चन है उसको अब सॉल्व करना है यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। क्लियर? तो लिख लो इन सबको तुम लोग।